नमस्कार, आई एम आदर्श। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई विल टेल यू अबाउट मेन फ्रीडम फाइटर्स ही फॉट अगेंस्ट वायलेंस। ओके, तो देर आर न्यूमरस फाइटर्स इन इंडिया हु हैव फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, लाइक रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, भगत सिंह एंड महात्मा गांधी ऑल्सो। तो दे फोर्ट सेक्रीफाइस दे ब्लड एंड शाओ फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। दे चूज द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड वन फ्रीडम विदाउट एनी वेपन्स, ओनली द ट्रूथ एंड पीस। ओके, तो वो है वो वेपन्स और ट्रूथ के लिए जाने जाते हैं। तो टुडे वी स्टार्ट यूनिट 12, ट्रूथ इज गॉड। नाउ वी हैव द न्यू वर्ड्स ऑफ इट। डिसिप्लिन मीन्स बिहेविंग इन ए कंट्रोल्ड वे, हर्ष मीन्स सेल ऑफ द ग्राउंड, नॉट स्केटर मीन्स स्प्रेड, मिसचीफ मीन्स अनरूली बिहेवियर, रेज मीन्स एंगर, एंजर कल्प्रिट मीन्स पर्सन एट फॉल्ट, कैन मीन्स स्टिक एंड रेस्टेंट मीन्स स्टॉप। नाउ इन योर टेक्स्ट बुक देयर इज अ स्टोरी अबाउट एक्टिविटी 3 में ट्रूथ इज गॉड। एक्टिविटी 1 और 2 है वो मैं आपको आई विल रीसेंड यू। ट्रूथ इज गॉड, दिस इज द स्टोरी ऑफ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक वॉज वन ऑफ द लीडर्स। इट इज द फोटो ऑफ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक वॉज वन ऑफ द लीडर्स फोर्ट फॉर इंडिया फ्रीडम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। वो ब्रिटिश रूल के सामने इंडिया को फ्रीडम कराने के लिए उन्होंने फाइट की। एज ए स्टूडेंट, वो बहुत छोटे थे तब की बात है, एज ए स्टूडेंट बाल वॉज नोन टू हिज टीचर्स एज वन ऑफ द ब्रिलियंट। वो बहुत ब्रिलियंट थे छोटी सी उम्र में और टीचर थे उनको ब्रिलियंट स्टूडेंट के बारे में जानते हैं। डिसिप्लिन एंड वेल बिहेव्ड बॉय इन द स्कूल। वो स्कूल में बहुत ब्रिलियंट था, ब्रिलियंट डिसिप्लिन एंड वेल बिहेव, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। वो स्कूल में एक ऐसा बॉय के लिए जाने जाते थे। बट वन डे वन ऑफ द टीचर्स हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। एक दिन इनके टीचर ने स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हुआ। क्या हुआ? ड्यूरिंग द रिसेस सम स्टूडेंट्स हैड ईटन ग्राउंडनट्स इन द क्लास एंड थ्रोन द सेल्स ऑन द फ्लोर नियर द टीचर्स टेबल। ग्राउंड खाई सम स्टूडेंट्स ने, उनके जो सेल्स थे वो ऑन द फ्लोर नियर द टीचर्स टेबल। टीचर्स के जो टेबल था उनके वहां उन्होंने थ्रो किया। नन ऑफ द बॉयज हुए कमिंग इन टूक सीरियस नोट ऑफ इट। किसी ने उनकी जो सीरियस नोट नहीं की कि वहां बहुत कचरा डाला है। द स्कूल बेल रेंग, स्कूल बेल रेंग एंड ऑल द बॉयज वेर बैक इन देयर सीट्स। रिसेस के बाद सब सारे स्टूडेंट्स है वो बेंच पर बैठ गए। एज द टीचर स्टेप्ड इन जो क्लासरूम में जो टीचर बाहर से अंदर आए, ही सो द हॉर्स स्कैटर्ड नियर हिज टेबल। उनके टेबल के पास क्या देखा उन्होंने? जो ग्राउंडनट्स के सेल्स थे वो देखे। ही फ्लू इनटू ए रेज। हु हैज डन दिस मिसचीफ, ही शाउटेड। बहुत जोर से चिल्लाए कि हु हैज डन दिस मिसचीफ, ये किसने यहाँ डाला? देयर वॉज नो रिप्लाई फ्रॉम द स्टूडेंट्स। आई आस्क अगेन, टीचर ने दूसरी बार पूछा,
शाउटेड द टीचर स्टिल लाउडर। अब बड़े बहुत आवाज में उन्होंने किया, क्या कहा, हूज मिस्चीफ इज दिस, किसने ये बिहेवियर किया है। इफ द गिल्टी बॉय डज नॉट स्टैंड अप, बट जिसने वो ये जो हरकत की थी वो खड़ा नहीं हुआ। दोज हु नो हिम शुड टेल मी हु इज ही, तो टीचर क्या कह रहे थे कि मुझे बता दो कौन है वो। द बॉयज लुक्ड एट वन अनदर, सब एक आमने सामने देखने लगे। मोस्ट ऑफ देम रियली वंडरिंग हु द कल्प्रिट कुड बी, नो वन स्टूड अप, कोई खड़े नहीं हुए। नो वन स्पोक ए वर्ड आइदर, कोई उनके मुंह से, किसी के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी कि कौन किसने ये हरकत की है। द एंग्री टीचर, उनका जो टीचर है वो बहुत खुश हो गए, इसलिए द एंग्री टीचर देन पिक्ड अप द कैन फ्रॉम द टेबल एंड से, क्या उन्होंने लिया, पिक्ड अप द कैन, कैन मीन्स स्टिक, अपनी जो स्टिक थी क्लास में रखी थी वो अपने हाथ में ली। एंड से सिंस नन ऑफ यू इज हेल्पिंग मी टू कैच द गिल्टी बॉय, आई एम गोइंग टू कैन एवरी वन ऑफ यू, जो कोई मुझे नहीं कहेगा कि किसने ये गिल्टी की है तो सबको मार पड़ेगी। व्हाइल द टीचर वॉज नियरिंग द फर्स्ट रो बॉयज, अब टीचर थे वो ये जो रो है बेंचेस की वहां एक एक रो पर जाने लगे। व्हाइल द टीचर वॉज नियरिंग द फर्स्ट रो बॉयज, बाल स्टूड अप एंड बोल्डली से, वहां जो बाल का तिलक थे वो बैठे थे, उन्होंने बोला, सर मेनी ऑफ अस रियली डू नॉट नो हु द गिल्टी बॉय इज, देर आर मेनी अदर्स हु हैव नॉट इवन सीन द हॉर्स ऑन द फ्लोर। ड्यूरिंग द रिसेस ऑल ऑफ अस हैड गोन आउट ऑफ द क्लासरूम, हम सब थे वो रिसेस के ड्यूरिंग हम बाहर निकल गए थे। बॉय फ्रॉम सम अदर क्लास माइट हैव डन दिस मिस्चीफ, कोई दूसरे क्लास के जो बॉयज है उन्होंने ये मिस्चीफ की होगी। Why then should be the innocent boys can be scanned? Means के जो ये क्लास में तो कोई नहीं है ये गिल्टी करने वाला, तो आप सबको क्यों ये सजा दे रहे हो। The teacher who knew बाल's good behavior, ये जो बाल का जो गुड बिहेवियर था सबके सामने, tried to restrain his own anger. Restrain means stop. Try to restrain his own anger, but fail. Don't be overwise, बाल। टीचर ने क्या कहा कि अब overwise न मत बनो। He said, I am sure some of you know the culprit. Culprit means person at fault. जो कोई person है, जो कोई boy है इन क्लास में fault वाला है, जिसने guilty की है वो boy. I am sure ऑफ यू नो द कल्प्रिट, मुझे पता है टीचर तेरे, मुझे पता है आप ही में से कुछ है, कुछ कोई है। इफ दे डोंट स्पीक आउट आई हैव गॉट टू पनिश द होल क्लास, वो होल क्लास को पनिश देंगे। इमीडिएटली बाल सेड दो रिस्पेक्टफुली बट सर आई फील दिस इज नाइदर फेयर नॉट जस्ट, ये फेयर नहीं होगा कि सबको इनोसेंट है और सबको आप सजा दे रहे हो, ये जो अच्छा नहीं है। व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट अवर इनोसेंस इज द ट्रूथ, आई डोंट वॉन्ट टू सी द इनोसेंट वंस पनिश्ड, सो प्लीज एलो मी टू लीव द क्लास, तो मुझे ये क्लास छोड़ने की मंजूरी दो। Before the teacher could say a word, Bal picked up his books and walked out of the classroom. टीचर कुछ भी बोले इससे पहले ही जो बाल था वहां बैठा था वो क्लास के बाहर निकल गया। All the boys admired Bal's courage. सब लोगों ने, सब जो बॉयज बैठे थे उन्होंने बाल की एडमायर की, मीन्स प्रशंसा की। एंड हिज लव फॉर जस्टिस एंड ट्रूथ, बाल का जो जस्टिस का एंड ट्रूथ का वो सब चाहने लगे। इवन द टीचर कुड नॉट हेल्प प्रेजिंग बाल, ही लुक्ड एट द क्लास एंड सेड,
क्या कहा, बाल इज नो ऑर्डिनरी बॉय, इफ एवरी स्टूडेंट इज एज ट्रूथफुल एंड डिसिप्लिन एज ही इज। टीचर अब क्या कह रही है कि एवरी स्टूडेंट इज एज ट्रूथफुल एंड डिसिप्लिन एज ही इज, अवर कंट्री विल हैव ए ग्रेट फ्यूचर। सब स्टूडेंट से, सब बॉयज है वो बाल की तरह अच्छे बिहेव करने लगे और ट्रूथफुल होने लगे डिसिप्लिन में, तो अपना जो कंट्री का कंट्री विल हैव ए ग्रेट फ्यूचर, अपना कंट्री का फ्यूचर है वो अच्छा होगा। इट इज दिस लव ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस दैट मेड बाल ए ग्रेट लीडर ऑफ अवर नेशन। इनका जो बाल का जो ट्रूथ और जस्टिस के सामने लव था, उन्होंने क्या बना दिया बाल गंगाधर तिलक को, ए ग्रेट लीडर ऑफ अवर नेशन, अवर नेशन का ग्रेट लीडर बना दिया। ही केम टू बी कॉल्ड लोकमान्य तिलक, को लोकमान्य तिलक के नाम से सब उन्हें जानने लगे। ही वन द लव एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड सो ही वॉज नोन एज लोकमान्य तिलक। एंड जो इंडिया में सब कई इसके नाम से बाल गंगा तिलक को जानने लगे, इज नोन एज लोकमान्य तिलक। तो लोकमान्य तिलक के अभी भी हम बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं। ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट बाल गंगाधर तिलक। ओके बाय, दिस इज अ पार्ट वन एंड आई विल ऑल्सो सेंड यू पार्ट टू। ओके बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।